मैं तुम्हें एक बार फिर से याद दिलाना चाहती हूँ, हमारे यहाँ कॉलेज के लेडीज हॉस्टल में हर लड़की को किसी भी हालत में 10 बजे से पहले अपने कमरे में होना चाहिए। और अगर मुझे लेट हो जाए या किसी वजह से मैं हॉस्टल टाइम पर ना पहुँच सकूँ, तो मुझे खुद आपको फोन करके आपसे इजाजत लेनी होगी, राइट? मुझे नियम याद रहेंगे मैडम। गुड, तुम्हारा सेंट जॉन कॉलेज हॉस्टल में स्वागत है। तुम्हारा कमरा नंबर है 22। अरे, इस कमरे में कोई और भी रहता है, लेकिन वार्डन ने मुझे बताया नहीं। ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। आप अंदर का भाई, पता ही नहीं चला। मेरा नाम पारुल है, मैं यहाँ नई स्टूडेंट हूँ, मुझे अभी ये कमरा मिला है। आप मेरी रूममेट है ना, यही रहती है? हाँ, मैं तुम्हारी रूममेट ही हूँ कल्पना, मैं यहीं रहती हूँ। मेरी मम्मी रह रही है। स्क्रैबल, ये गेम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसे हमेशा अपने पास रखती हूँ। इतना लंबा सफर तय करके आई हूँ ना, थोड़ी थक गई हूँ, मुँह हाथ धोकर फ्रेश हो जाती हूँ। बाथरूम, उसे क्या पता, मेरा बस चले ना तो सारी जिंदगी मैं इस कॉलेज में बिता डालूं। ऑब्वियस यार। तुमको एक चीज दिखाऊं? दिखा, मैंने कल ही बनाई, ये देखो। टैटू कैसा है? अच्छा है, मैं तो कहूंगी बकवास है। वैसे रहेगा कितने दिन? साबुन और पानी से तो निकल ही जाएगा ना। स्टूपिड नेहा, ये टैटू है टैटू, ये इतनी आसानी से निकलता नहीं है। इसमें इंजेक्शन की तरह की सुई इस्तेमाल करते हैं, इसमें इंक भरकर ड्रॉइंग की जाती है। ये परमानेंट है, परमानेंट। परमानेंट? ये तुमने सुई से किया है? यस। तुम्हें दर्द नहीं हुआ? देखिए जबरदस्त है, मैं भी ये कैसा बनाऊंगा। आप लोग मेरी क्लास में है ना, मुझे लगा कि मैं लेक्चर के लिए लेट हो रही हूँ। लेक्चर कैंसिल हो गया है? चालू है। तो फिर तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
अगले हफ्ते से तो एग्जाम्स है ना, तो हमें इससे क्या, तुमको अटेंड करना है तो जाके करो ना। मिस जीनियस, हमें तो अभी और भी बहुत जरूरी काम है। अच्छा राखी, रॉक्सी में कौन सी पिक्चर लगी है? देखो तुम सब लोग एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, इस बार के एग्जाम्स बहुत टफ होने वाले हैं। आधा घंटा, बस आधा घंटा बाकी है। सब स्टूडेंट्स अपने पेपर जल्दी जल्दी पूरे कर लीजिए, सिर्फ आधा घंटा बाकी है। जिन स्टूडेंट्स ने अपना पेपर खत्म कर लिया हो वो अपनी अपनी आंसर शीट देकर बाहर जा सकते हैं। परुण, परुण, तुमसे कह रहा हूं परुण, परुण, तीन और पांच नंबर के आंसर बताओ ना प्लीज। परुण कोई नहीं देख रहा, जल्दी बताओ वरना मैं फेल हो जाऊंगा। देखो विनोद प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अपना काम करने दो। परुण, परुण प्लीज। विनोद कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर प्रॉब्लम, क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है। नहीं दिखाओ सर, सर दिखाओ। खाली? ये तो बिल्कुल तुम्हारे दिमाग की तरह है, एकदम खाली। विनोद उठो, उठो उठो सर। शाबाश, उठो। आओ मेरे साथ। सर मैं आ रहा हूँ। आओ, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। आओ ना सर। तुम इस सीट पे बैठो और यहां तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओह लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट द चेन। हाय, अरे रे, एवरीथिंग इज गॉन, लुक एट दिस। ओह हाय राखी, नेहा, हाय प्रशांत, हाय विनोद। कौन कमेंट किया? ये भी गया, सब कुछ गया भाई। ये तो मेरी साइकिल है ना। किसने किया ये सब? अरे रे रे, क्या हो गया साइकिल को? क्या हो गया भाई? ओ पंचर है। अरे यार चेन भी टूटी हुई है, हैंडल भी टूटा हुआ है, और ये पैडल भी टूटा हुआ है। टूट गए। ओ हो, दोस्तों मुझे तो ये पता नहीं चल रहा कि पारो ने ये साइकिल चलाई कैसे। पारुल, पारुल, पारुल क्या हुआ, रो क्यों रही हो? किसी ने मेरी साइकिल। पारुल मुझे देखो और रोना बंद करो, तुम्हारी साइकिल ठीक हो जाएगी, तुम जाओ अपने क्लास में। पारुल तुम्हारी साइकिल ठीक हो जाएगी, thank you.
कम से कम मुझे 4-5 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। ये उसी ने किया होगा, पारुल ने, है ना वो मिस जीनियस, हमने उसकी साइकिल तोड़ी, उसने हमसे बदला लेने के लिए ये सब किया। हाँ ये काम पारुल ही कर सकती है, वरना पूरी कॉलेज में किसी की हिम्मत है मेरी भाई को हाथ लगाए? उसे अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। Exactly. आने दो कल कॉलेज में, ऐसा सबक सिखाऊंगा ना जिंदगी भर याद रखेगी। खैर तू सो जा, चल मिलते हैं, दरवाजा चेक कर। ओके बाय। इसे जल्दी से इमरजेंसी रूम में ले चलो, इसे सांप ने काटा है। सांप ने काटा है? क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब, आप कहते हैं इसे सांप ने काटा है, वो भी ऊपर, पर इस एरिया में सांप है ही नहीं डॉक्टर साहब। देखिए मैं नहीं जानता कि सांप कहां से आया है, लेकिन इसे सांप ने काटा है। अब बातों के लिए कोई वक्त नहीं है, इसकी जान बचाने के लिए एक पल कीमती है, हमें हॉस्पिटल ले जाने दो, हटो। हे भगवान, अब ये बचेगा कि नहीं? पर यहाँ सांप कहाँ से आया? कल्पना, मुझे प्रोफेसर साहब ने बताया कि उन्हें हॉस्पिटल से खबर मिल चुकी है, डॉक्टरों ने किसी तरह विनोद की जान बचा ली है। जान बचा ली है? हाँ, लेकिन वो किसी से बात नहीं करता, बिल्कुल चुपचाप सा रहता है। ऐसा लगता है जैसे उसके दिमाग पर किसी गहरे सदमे का असर हो गया है। प्रोफेसर साहब तो कह रहे थे कि अब विनोद कभी कॉलेज नहीं आएगा। अच्छा हुआ जान छूटी, उसे उसकी किए की सजा मिलनी चाहिए थी, और उसके साथ साथ उसके दोस्तों को भी मिलनी चाहिए। कल्पना, मुझे अभी भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, कमरे में सांप कहां से आ गया? सांप का क्या भरोसा, सांप तो कहीं भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तुम इन बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। ये बताओ तुम्हारी माँ ने चिट्ठी में क्या लिखा? सच बात बताओ कल्पना, मम्मी डैडी ये जानकर बहुत खुश हुए हैं कि मुझे एक अच्छी दोस्त मिल गई है। वो चाहते हैं कि मैं इस कमरे की और खास करके तुम्हारी तस्वीर उन्हें जरूर भेजूं। तस्वीर? नहीं पारुल, तस्वीर नहीं। क्यों? बस मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, और वैसे भी मेरी तस्वीर अच्छी नहीं आती। हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। नहीं पारुल, मैं तस्वीर नहीं खिंचवाऊंगी। कल्पना, मेरा कैमरा बिल्कुल रेडी है। नहीं पारुल प्लीज, पारुल मेरी बात सुनो, मुझे कोई नहीं कर रहा।
तस्वीरें खिंचवाने से इतनी शर्माती है? वैसे चार तस्वीरें तो मैंने खींच ली है, जल्दी से फोटो बनाने के लिए दे देती हूँ। में रखनी चाहिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए आप लोगों को पहले से तैयारी करनी चाहिए। आज तक जितना भी ऑब्जर्वेशन और डिसेक्शन हम लोगों ने किया है, उन सब की फाइलें परसों तक हमें जांच के लिए मिल जानी चाहिए, वरना एग्जाम्स में बैठने नहीं दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? एक्सक्यूज मी मिस्टर गुप्ता, मिड टर्म में एडमिशन लेने की वजह से मैं अपने कुछ प्रैक्टिकल्स कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। क्या मैं आज शाम देर तक लैब में बैठकर अपने नोट्स बना सकती हूँ? नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारा काम खत्म होने तक चारी लेबोरेटरी खुली रखेगा। और हाँ, अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी प्रैक्टिकल मिस हो गया हो तो वो कर सकता है। ओके, थैंक यू मैडम। पारुल को विनोद की मोटरसाइकिल तोड़ने के लिए सबक सिखाना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। लेकिन अब इसमें क्या कर सकते हैं? वो इस वक्त अकेली लैब में बैठी अपने नोट्स बना रही है, राइट? हाँ, लेकिन इससे हमारा मकसद कैसे पूरा होगा? मिसेस गुप्ता ने कहा था कि जिन स्टूडेंट्स की फाइलें तैयार नहीं होंगी उन्हें प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बैठने नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर किसी तरह हम पारुल की प्रैक्टिकल्स की फाइल को गुम कर दें तो? नॉट अ बैड आइडिया। नेहा, तुम बाहर पब्लिक फोन से गर्ल्स हॉस्टल में फोन करो और ये कहना कि तुम पारुल की कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार बोल रही हो। ये भी कहना कि बहुत ही जरूरी मैसेज देना। चपरासी उसे फोन के लिए लैब के बाहर तो बुलाएगा ही, मैं तब चुपके से अंदर जाकर उसकी फाइल गुम कर दूंगी। मिस पारुल, मैं ये किताबें लाइब्रेरी में जमा करने जा रहा हूँ, बस 10 मिनट में आ जाऊंगा। कोई बात नहीं सर, वैसे ये काम कंप्लीट करने में मुझे 1 घंटा और लगेगा। ठीक है। मैडम, मैडम हॉस्टल में आपके लिए फोन है। मेरा फोन? किसका हो सकता है? अच्छा, मैं आती हूँ। Yeah.
ये क्या हो रहा है यहाँ पर? पहले वो किताबें खुद ब खुद मुझ पर गिरने लगी और फिर ये कंकाल, कंकाल इसने मुझको हमला किया और फिर मेरा गला दबाने की कोशिश की। राखी, राखी क्या हुआ? राखी, राखी राखी क्या हुआ? अरे इसके दिमाग पर कोई गहरा दौरा पड़ा है। जा चारे, जल्दी से एम्बुलेंस बुला कर लेके आ। अरे लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही थी? मेरी मेरी प्रैक्टिकल फाइल। तुम्हें इतनी परेशान क्यों हो पारुल? कल्पना, राखी अब वापस कॉलेज नहीं आएगी। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। She has lost her mental balance. बहुत बुरा हुआ उसके साथ। बुरा क्या हुआ? अच्छा ही हुआ। वो तुम्हारी प्रैक्टिकल फाइल चुराने आई थी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई। वरना कुछ भी हो सकता था। लेकिन कल्पना, मुझे एक बात की बड़ी हैरानी है। विनोद ने मेरा बुरा चाहा तो उसका एक्सीडेंट हो गया, और अब जब राखी ने मेरी प्रैक्टिकल फाइल को फाड़ने की कोशिश की, उसको भी कुछ हो गया। मतलब ये कि मुझे तंग करने वालों के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। यू नो कल्पना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई है जो मुझे हमेशा बचाता रहता है। वो पारुल, कुछ तुम्हारी क्लास का वक्त हो रहा है, तुम जाओ। सी यू लेटर। अंदाजा नहीं लगा सकती कितना मजा आ रहा है। तुम स्विमिंग क्यों नहीं करती? नहीं नहीं बाबा, मुझे पानी से बहुत डर लगता है, और वैसे भी मुझे तैरना नहीं आता। अच्छा ये बताओ, इतनी देर से अकेली बैठी तुम क्या सोच रही थी? मैं दरअसल राखी और विनोद के बारे में सोच रही थी। तुम्हें अजीब नहीं लगता कि एक के बाद एक, एक जैसी घटनाएं कैसे हो सकती हैं? मुझे ये सब एक्सीडेंट नहीं लगता। एक्सीडेंट ही है, और क्या हो सकता है? ये एक्सीडेंट नहीं है। निशांत, वो निशांत, वो पानी में, वो क्या पानी में, वहां एक लड़की, लड़की है निशांत। लड़की कहां? नया कुछ भी तो नहीं है वहां। निशांत मेरा विश्वास करो, अभी वहां एक लड़की थी। रिलैक्स, आराम से बैठो, दो मिनट में कपड़े बदल के आते, बैठो आराम से। पागलपन के दौरे पड़ने लगे हैं। पागलपन के दौरे? हाँ, डॉक्टर का कहना है कि वो तो दिन में भी डरावने सपने देखती है।
सपने? हाँ, अब तो लगता है कि उसे साइकेट्रिस्ट के पास अपना इलाज कराना ही होगा। जैसे अपनी फ्रेंड राखी की तरह, दोनों कितनी प्यारी सहेलियां थी, है ना? अब दोनों किसी पागल खाने के कमरे में एक साथ रह सकती हैं। पारुल। मैडम, अच्छा हुआ तुम मिल गई। स्वस्तिक फोटो वाले के यहाँ से कुछ फोटोज आई हैं। मैडम, मैंने फिल्म का रोल दिया था डेवलपिंग के लिए। ठीक है, मैंने उसकी पेमेंट कर दी, तुम मुझे बाद में दे देना। थैंक यू मैडम। वैसे मैंने कुछ फोटोग्राफ्स ली थी कल्पना की। कल्पना कहाँ है? फोटोग्राफ्स तो कल्पना की ली थी। कमरा खाली कैसे है? अरे तुमने ये खाली कमरे की फोटो क्यों ली है? लेकिन मैडम कमरा खाली नहीं था, मैंने कल्पना की फोटो ली थी। कल्पना? तुम किस कल्पना की बात कर रही हो? मैडम कल्पना मेरी रूममेट। क्या हो गया है तुम्हें? तुम किस रूममेट की बात कर रही हो? तुम्हारे कमरे में और कोई नहीं रहता है। मैडम आपने मुझे हॉस्टल का कमरा नंबर 22 दिया है ना, डबल रूम, कल्पना वही रहती है मेरे साथ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कमरा नंबर 22 डबल जरूर है, लेकिन उस कमरे में तुम सिर्फ अकेली रहती हो, और कल्पना नाम की लड़की उस रूम में क्या पूरे हॉस्टल में नहीं है। कल्पना, अरे ये सब कहां चला गया? यहाँ की किताबें? कबर्ड भी खाली है, सामान भी नहीं है। अचानक वो गायब कहाँ हो गई? नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। कल्पना यही तो रहती थी इसी कमरे में। मैंने उसके साथ कितनी बार बातें की हैं, उसके साथ स्क्रैबल का गेम खेला है, ये कोई सपना नहीं है। तो फिर वो अचानक गायब क्यों हो गई? क्या हुआ पारुल, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी सर, मैं कुछ देर यहाँ बैठना चाहती हूँ। तुम्हें अगर कोई किताब वगैरह चाहिए हो तो मुझे बता देना है, मैं काउंटर पे हूँ। जी तुम्हारी तबीयत अगर ठीक ना हो तो तुम अपने कमरे में जा सकती हो, हॉस्टल में। सर मैं ठीक हूँ। ठीक मैंने कैसे समझाऊं, मैं अपने कमरे में कैसे जा सकती हूं? नहीं, मैं वहां नहीं जा सकती, मैं वहां कभी वापस नहीं जाऊंगी। न जाने उस कमरे में क्या है, कौन है? लगता है मैं भी राखी और नेहा की तरह पागल हो जाऊंगी। क्या सचमुच वहां पर कभी कल्पना नाम की लड़की थी? नहीं, ये नहीं हो सकता। पारुल, मैं यहां हूं।
डरो मत, मैं ही कल्पना हूं। कल्पना? सच सच बताओ तुम क्या हो? मैं तुम्हारी दोस्त हूं, तुम्हारी फ्रेंड, तुम्हारी रक्षक हूं मैं। कौन हो तुम? 8 साल पहले मैं भी इस कॉलेज में पढ़ती थी। जिस कमरे में तुम रहती हो वो मेरा था। तुम्हारी तरह मैं भी डरपोक थी। जैसे तुम्हारे साथ हुआ वैसे ही कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स मुझे भी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया था। वो मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे तंग करते थे। मैं पागल सी हो रही थी। पारुल मेरी कोई दोस्त नहीं थी जिससे मैं बात करती। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। तुमने आत्महत्या कर ली? हाँ। लेकिन तुम तो अब तक यही हो। मैं यहाँ तुम्हारी सहायता के लिए हूँ। मेरी मदद किसी ने नहीं की, पर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। विनोद, राखी और नेहा के साथ जो भी कुछ हुआ वो सब तुमने किया था? हाँ, वो इसी काबिल थे। मैंने उनसे तुम्हारा बदला ले लिया और उन्हें सबक सिखाया। नहीं कल्पना, ये तुमने गलत किया है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उनसे निपट सकती थी। पारुल, तुम किससे बात कर रही हो? पारुल, पारुल, ये तुम्हें क्या हो गया? पारुल, कल्पना, कल्पना, कल्पना कहाँ हो तुम? कल्पना, पारुल, पारुल, तुम किससे बात कर रही हो? पारुल, 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 प्रशांत, नहीं, कल्पना उसे कुछ मत करना, कल्पना, कल्पना, पारुल, कल्पना, कल्पना, पारुल, और प्रैक्टिकल्स कैसे गए? ठीक था प्रैक्टिकल्स। अच्छा, ओके फाइन, फिर कैंटीन में मिलते हैं। अरे प्रशांत को कहीं देखा? वो क्या प्रशांत? ओ हाय प्रशांत। हाय। अरे यहाँ क्या कर रहा है? चलना कैंटीन में। यार तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊंगा। मुझे केमिस्ट्री लैब जाकर एक एक्सपेरिमेंट पूरा करना है। मेरी फाइल कंप्लीट नहीं हुई है और 2 दिन में एक्सपेरिमेंट्स हैं, प्रैक्टिकल्स, एग्जाम। ओके फाइन, चल बाय, मिलते हैं। मजाक है यार, वहां से जाता हूं। बंद कर रहा है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कौन है? कोई तो है यहां। वक्त आ गया है? मतलब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। प्रशांत,
कल्पना, कल्पना, मैंने ही तुम्हारे दोस्तों को सबक सिखाया था और अब तुम्हारी बारी है। नहीं! ऐसा मत करो कल्पना, प्रशांत कल्पना, कल्पना कल्पना प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी को नुकसान पहुंचाओ। विनोद, राखी और नेहा को तो तुम पहले से ही मुसीबत में डाल चुकी हो। ये सब मत कर दो प्लीज, ये सब बंद कर दो कल्पना। प्रशांत को छोड़ दो। नहीं, इन लोगों ने तुम्हें बहुत सताया है। इसी तरह एक दिन मुझे भी सताया गया था। अब इसे मरना ही पड़ेगा। कल्पना, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो। इन्होंने जो मेरे साथ किया, अगर इनके साथ भी यही हुआ तो मैं भी बुरी बन जाऊंगी। प्लीज कल्पना, प्लीज इसे छोड़ दो इसे कल्पना, प्लीज प्लीज कल्पना। थैंक यू कल्पना, मैं तुम्हारे मन की बात समझ सकती हूँ, मगर कल्पना, ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।